एक्शन। हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए ग्रैंड i10 नियोस का ओनरशिप एक्सपीरियंस। अब ये गाड़ी जो है वो सिटी के लिए, जिसे भी ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए उसके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और इस वक्त मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन काफ़ी अच्छा है। इसमें AMT ट्रांसमिशन आता है और थोड़ा लैगी है ये ट्रांसमिशन, लेकिन वैसे गाड़ी चलाते वक्त आपको इतना ज़्यादा भी लैग फील नहीं होता है, काफ़ी अच्छा है। और बाकी हम जो गाड़ी है, ये गाड़ी जिन्होंने ली है वो एक्चुअली काफ़ी बार, उन्होंने 4 से 5 बार उन्होंने स्वीट बदल चुके हैं, उसके बाद इन्होंने i10 नियोस ली है। तो आज हम एक स्विफ्ट के ओनर से जानेंगे कि i10 नियोस ऑन करके उनको कैसा फील होता है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एक्शन। तो अब देखते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर्स। इस गाड़ी में जो भी आपको बेसिक फीचर्स चाहिए वो सभी आ जाते हैं। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आ जाता है और AC के कंट्रोल्स यहाँ पर है। और यहाँ पर जो इंटीरियर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी सेटिस्फाइंग है, इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी है। और अगर मैं बात करूँ तो ये है स्पोर्ट्स मॉडल, ऑटोमेटिक AMT ट्रांसमिशन, और ये है पेट्रोल वर्जन इस गाड़ी का। पावर में भी कोई कमी नहीं है, सफिशिएंट पावर है और सिटी के लिए ये काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। और आगे की बात हम ओनर से सुनेंगे। और पीछे की जो सीट है उसका स्पेस मैं आपको बता दूँ, ये जो सीट है उसको मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया ड्राइवर सीट को। अब मैं पीछे बैठ के आपको दिखाऊंगा कि स्पेस के मामले में कैसी है गाड़ी। तो ये सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की हुई है और अभी यहाँ पर मैं पीछे बैठा हूँ। और यहाँ पे नी रूम जो है वो भी काफ़ी सफिशिएंट है, हेडरूम भी सफिशिएंट है, कोई इश्यू नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है और सीट का जो कम्फर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं आता है, ये एक पॉइंट है। और बाकी गाड़ी कंफर्ट के मामले में भी अच्छी है। सबसे पहला सवाल आपके लिए कि आपने स्विफ्ट के i10 नियोस क्यों लिया? पहली बात तो वो कि मारुति की बिल्ड क्वालिटी बहुत वीक हो गई है। ओके। और मेरे को एक ऑटोमेटिक अच्छी और छोटी कार चाहिए थी, इसलिए मैंने नियोस और युंडे में इस बार मैंने युंडे की। ओके। सिटी के लिए आपको बेसिकली गाड़ी चाहिए थी और आपकी जो स्विफ्ट है वो डीजल मैनुअल था और ये है पेट्रोल ऑटोमेटिक। तो स्विफ्ट चलाने में और i10 नियोस चलाने में आपको क्या फर्क लगता है? स्विफ्ट में पिकअप अच्छा मिलता है और इसमें वो ये स्मूथ है। ओके। और ड्राइव में अच्छी है बट लैग होता है, ग्लिचिंग थोड़ा बहुत देर में लैग होता है। AMT है और थोड़ी ट्यूनिंग की, बेटर ट्यूनिंग की जा सकती है इसके लिए। और इसमें स्विफ्ट से ज़्यादा क्या अच्छी बात है? इसकी साउंड क्वालिटी, स्विफ्ट में 6 स्पीकर है, तो टोटल और 4 स्पीकर, इसमें 4 स्पीकर है तो भी अच्छी साउंड क्वालिटी। तो 4 स्पीकर होने के बावजूद भी इसमें ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी और इसकी टच स्क्रीन की क्वालिटी भी मुझे थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी कंपेयर टू स्विफ्ट। और रिवर्स कैमरा भी काफ़ी अच्छा है और बेसिक सारे फीचर्स आ जाते हैं इसके अंदर। हाँ सर, कोई ऐसा मिसिंग फीचर आपको लगता है? मैं ये रेंज में तो बहुत है, ये रेंज ले सकते हो। अच्छा, अगर किसी को फॉर एग्जांपल हमारे किसी भी सब्सक्राइबर को गाड़ी लेना हो सिटी के लिए ऑटोमेटिक, तो आप i10 नियोस उसको रिकमेंड करेंगे? हाँ, उसको ये प्रीफर करूँगा। तो इंजन तो काफ़ी साइलेंट है इस गाड़ी का, पेट्रोल भी है इस वजह से स्मूथ भी काफ़ी है। तो आपको इसमें कितना माइलेज आ जाता है सिटी में? अभी तो 12.5 दे रही है। ओके। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 17.2 की दी है। 17.2 की। और अभी आपकी गाड़ी थोड़ी कम चल रही है तो एक बार 10,000 किलोमीटर के बाद आपको शायद इससे ज़्यादा माइलेज दे सकेगी। और बाकी इस गाड़ी से आप सेटिस्फाइड हो? हाँ, कम्प्लीटली कम्प्लीट। अच्छा, कितना रेटिंग दोगे आप इसको? 10 आउट ऑफ 9 देते भाई। मुझे इस गाड़ी का साउंड बहुत पसंद है। अच्छा, चलो देखते। अभी एक बार एग्जॉस्ट पास जा रहा हूँ मैं कैमरा लेके और फिर से वापस सब्सक्राइबर्स को अपन सुनाएंगे।